हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे, सब बेस्ट होगे। हम लोग डेली बेसिस पे अपने लिप्स पे लिप ग्लॉस यूज़ करते हैं, तो मैं प्रिफर करती हूँ अपने घर पे लिप ग्लॉस बनाना। बहुत सिंपल तरीके से होता है एंड लिप्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे लिप्स बहुत जल्दी ही ब्लैक हो जाते हैं। अब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक में, तो मैं ट्राई करती हूँ अपने घर पे, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं DIYs ट्राई करती हूँ और रिज़ल्ट बेस्ट निकलता है तो मैं ही वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले वैसलीन को मेल्ट कर लिया है, उसके साथ मैं ऐड करूँगी कलर के लिए थोड़ा सा बीटरूट पाउडर। मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आप बीटरूट पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप घर पे बीटरूट का जेल बना लीजिएगा एंड वही यूज़ कीजिएगा, जो कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रोज़ पाउडर। रोज़ पाउडर इसलिए मैं डाल रही हूँ, एक तो स्मेल के लिए, मतलब कि उसका अच्छा गुड स्मेल निकलेगा, एंड साथ ही साथ लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बीटरूट एंड रोज़ बहुत अच्छे होते हैं स्किन्स के लिए, बहुत चीज़ों में, इसलिए मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ। एंड उसके साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन मैं ऐड करूँगी। ग्लिसरीन आप स्किप भी कर सकते हो, एंड इसके रिप्लेस में आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ग्लिसरीन, क्योंकि लिप्स के मॉइस्चराइज करता है, आपके टेक्सचर को चेंज करता है, लिप्स के फटे होते हैं आपके लिप्स, तो उसमें भी हेल्प करता है। आप यहाँ पे कलर देख रहे हो, ज़्यादा पिगमेंटेट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बीटरूट पाउडर। अगर आपको ये इतना ही अच्छा लगता है तो आप इतना ही तक छोड़ दीजिएगा, आप ऐड मत कीजिएगा। पर यहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कलर चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी बीटरूट पाउडर। एंड अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। आप एक साथ ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं जैसे आपको मिलते हैं उसमें, एंड आप डेली बेसिस पे लगाइए, आपको अच्छा आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपको एकदम पिंकिश टोन मिल जाएगा आपके लिप्स पे। यहाँ पे मैं सेकेंड लिप ग्लॉस बना रही हूँ। मैं दो शेड में बना रही हूँ, एक ब्राउन एंड एक रेड एंड पिंक में। यहाँ पे सेम तरीके से मैंने यहाँ पे इसको भी मेल्ट कर लिया है वैसलीन को, सेकेंड तरीके में यूज़ करने के लिए। एंड उसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं ग्लिसरीन नहीं यूज़ कर रही हूँ। एंड कभी भी आप बिना मेल्ट किए हुए वैसलीन में मत ट्राई कीजिएगा ये चीज़ बनाने का, नहीं तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं कोको पाउडर डालूँगी कलर के लिए, ब्राउन कलर के लिए। बहुत अच्छा कलर आएगा आपको कोको पाउडर से। एंड इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत पड़ेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये थोड़ा सा मतलब कि नहीं मेल्टेड कंडीशन में रहे तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिएगा कटोरा में, एंड इस कटोरे को आप उस गर्म पानी में इसी तरीके से आप मिक्स करते रहिएगा, तो आपको बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा आपका वैसलीन। आप इसी तरीके से कभी भी वैसलीन को मेल्ट कीजिएगा, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड अच्छे से मेल्ट करने के बाद आप देखते रहिएगा इसका कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ। जब तक कलर चेंज नहीं होता और है तब तक आप इसको मिक्स करते रहिएगा। आपको जब आपका कलर मिल जाएगा उसके बाद इसको आप स्टोर कर लीजिए किसी भी कंटेनर में, एंड हमेशा आप यूज़ करते रहिएगा। दोनों बेस्ट है आपके लिप्स के लिए, आपके लिप्स के कलर के लिए। आपका अगर फटा हुआ लिप्स है तो भी आपके लिए बेस्ट है। आप ये घर पे एक बार बना लीजिए, आप देख सकते हो दोनों का कलर कितना अच्छा निकल के आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को एंड लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।